क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से welcome to bio classes online i am dr gitan singh आगे बढ़ते हैं एनिमल किंगडम में तो एनिमल किंगडम में हम देख रहे हैं फाइलम कोडेटा और फाइलम कोरिटा के अंदर हमने क्या देखा बेटा हमने देखा सब फाइलम देखे हमने जो है वो प्रोटोकॉर्डेटा को देखा हमने जिसमें हमने पढ़ा यूरोटा एंड सिफेलो कॉरिटा को देखा हमने फिर हमने क्या देखा हम वर्ल्टीवरेटा देख रहे थे बेटा हम ठीक है तो वहां पर हमने क्या देखा सबसे पहले हमने बात किया था बेटा जो है वो साइक्लो का बात किया था पिछली क्लास में हमने हट के हमने देखा था कि साइक्लो किस तरह के होते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं और कुछ क्लियर चलिए देखो बेटा देखा? देखा दो डिवीजन में डिवाइड किया था पहला था एग्न जिसमें जॉ नहीं थे दूसरा था जिसमें जॉ थे और जॉलेस यानी साइक्लोस्टोमेटा को जनरली क्या बोलते हैं बेटा हम ये ट्रू फिश नहीं होती है पर इनके लिए हम जो फिश के समान दिखाई पड़ती इसलिए जॉलेस फिश बोलते हैं बट दे आर नॉट ट्रू फिश के वास्तविक फिशेस जो होती हैं जो वास्तविक मछलियां होती हैं वो पीसेस के अंदर आती है बेटा के जो डिवीजन ग्रेथोस्टोमेटा तो का एक सुपर क्लास है तो दो सुपर क्लास होती है बेटा एक होती है पीसेस दूसरी होती है टेट्रापोडा के अंदर होते हैं और इसमें दो क्लास शामिल होती है एक होती है कॉर्टिलेज वाली फिश होती है दूसरी होती है ऑस्टिकस बोनी फिशेस होती है इसके अंदर ठीक है फिर जो टेट्रापोडा होते हैं उनमें लिम्स होते हैं अपर लिम्स लोअर लिम्ब दो जोड़ा लिम्प पाए जाते हैं उनके अंदर के ठीक है चार पैर होते हैं टेट्रापोडा हमारे जो हाथ है ये भी पोर्ट में आते हैं, के में आते हैं, में आते हैं तो अपर लिम बोलते हैं दो ये होते हैं, दो लिम होते हैं चार है इस तो पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था बेटा साइक्लोस्टो नंबर एक आपको बताना है कि साइक्लोस्टोम जो साइक्लोस्टोम होते हैं जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उसके कॉमन एग्जाम्पल क्या है वॉट आर दी कॉमन एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लास साइक्लोइोमेटा ठीक है उनके आपको नाम और साइंटिफिक नाम और कॉमन नेम दोनों बतानेट के कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा के कॉमन नेम आपको बताने कॉमन एग्जाम्पल बताने इसमें कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आपको दोनों बताना हटके एंड मोड ऑफ फीडिंग के व्हाट इज मोड ऑफ फीडिंग किस प्रकार से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं ये भी आपको बतलाना है कि व्हाट इज मोड ऑफ जो है वो फीडिंग के कॉर्नी होते हैं हर्बीवोर होते हैं पैरासाइट होते हैं एंडोप्रासाइट होते हैं एक्टोप्रासाइट होते हैं किस तरह के होते हैं तो मोड ऑफ फीडिंग आपको बतलाना है क्लियर ठीक है चलिए क्लियर ठीक है कुछ प्रश्नों के उत्तर यहां मिल चुके आपको है ना तो हमने नहीं दिखा बेटा है ना तो देखिए हम देख रहे हैं इसमें आपको जो है वो सर्कुलर माउथ दिखाई पड़ रहा है जिसमें जो है वो सक्टोरियल माउथ एक्चुअली इसका माउथ कैसा होता है इनका माउथ होता है इसका माउथ होता है सक्टोरियल सक्टोरियल माउथ होता है सक करने वाला माउथ होता है ठीक है क्लियर है ना और बेसिक कॉडेटा फीचर तो हम सब जानते हैं बेटा फरेंजलिट्स का होना के होलो नर्व कॉर्ड कॉर्ड का का होना नोटो का होना नोटो पोस्ट एनल टेल का होना ये बेसिक दीज दीज आर आर दी दीजार दी बेसिक कॉर्डेट फीचर्स ये बेसिक कॉर्डेटा फीचर्स होते हैं बार बार रिवाइज कराता हूं हर क्लास में बोलता हूं हर क्लास में रिवाइज कराता हूं ताकि आप भूल ना जाए इसको तो, याद रखना बेटा ठीक है क्लियर फिर मैंने आपसे कहा था कि जो सेगमेंटेशन है वो आपको कॉल्टा की बॉडी के अंदर देखने मिलता है जैसे रिप्स हुए वर्टिब्री हुए ये रिपीटेटिव सेगमेंट्स होते हैं देर आर समार्ट विश शोज दी सेगमेंटेशन इस पर भी बात किया था हमने चलो

लेकिन यदि आप सोचते हैं कि एनसीआर का एक पैराग्राफ ही रटकर काम बन जाएगा तो फिर आप गलती कर रहे हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नब्ज को समझने के लिए वो एक पैराग्राफ को पहले, के पहले आपको और सारा थ्योरी समझना होता है फिर उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी ठीक है चलिए दे आर दी एडवांस्ड क्रेनिएट ये एडवांस क्रेनिएट होते हैं बेटा मतलब आधुनिकतम क्रेनिएट होते हैं के क्रेनियम का मतलब क्या होता है स्कल बॉक्स इसके अंदर ब्रेन होता है बेटा जॉट वर्टिब्रेट के इनमें जॉ पाया है इनके अंदर जो जॉ या जबड़ा इसके हिंदी में बोलते हैं इसको जबड़ा के जहां पर ये निचला हिस्सा होता है टीथ होते हैं उसके अंदर के सेम जॉ कहते पाया जाता है ठीक तो याद रखिए जो भी ग्रंथो स्टोमेटा हो जो भी ग्रंथो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है कि व्हाट व्हाट दे कि नंबर एक इनमें आपको जॉ देखने मिलेंगे

एक्सोस्केलेटल देखने मिलेगा याद रखिएगा इसमें एक्सोस्केलेटल देखने मिलेगा अब ये जो एग्जोस्क्रिटल होता बेटा वो जो पीछे से मछलियां मछलियों में वो स्केल्स के फॉर्म होगा मछलियों में वो स्केल्स के फॉर्म होगा और स्केल्स साइक्लोस्टोमेटा में नहीं थे पढ़ा है हमने कि... के फॉर्म में होगा अलग अलग तरह के मछलियों में देखने मिलते हैं और मिलेगी हेयर्स जो जो इसकी, देखने मिलेंगे आपको उसमें उस भी आपको कुछ इस, कुछ फीजर्स देखने मिलेंगे रेप्टाइल्स में कुछ इस, कुछ इस तरह के स्केल्स भी आपको देखने मिलेंगे ठीक है ना पेयर के मतलब जो नॉस्ट्रिल होते हैं जो

देखिए, ये हम देख रहे हैं एक ट्रू फिश के ये हम देख रहे हैं एक वास्तविक मछली को देख रहे हैं हम ट्रू फिश को देख रहे हैं जो सुपर क्लास

ये जॉ है उस पर देखो आप टीत दिखाई पड़ रहा है आपको ये टीत दिखाई पड़ रहा है इस पर ठीक है ये हम हाँ जॉ वाले मैंने जॉ वाले हिस्से को जो है वो ऐसे मैं इसको जो है वो कलर कर देता हूँ चलिए कि ये इसका जॉ वाला हिस्सा है जॉस ठीक है ये जबड़ा है इसका ठीक है मैंने कलर कर दिया इसको ये जॉ जॉ देखने मिल रहा है आपको ठीक है ना बाकी फीचर्स हम बाद में बात करेंगे कि आप जैसे देख रहे हैं हमको डॉर्सल है जोड़े में होंगे हमको हमें जो है वो वर्टिवल कॉलम भी देखने मिल रहा है इसमें मतलब बाकी कैरेक्टर पर हम बाद करेंगे अभी हम इतना समझ गए यहां कि इसमें हमको जॉ देखने मिलेगा चलिए एक बेहतर इमेज देखते हैं देखिए आप देख रहे हैं जॉ ये हम देख रहे हैं देखो ये वाला जॉ सीधा सीधा यदि हम आपसे बोले सीधा है ना जो जो है इस इस यदि कोई आदमी इस तरह की मछली का डायग्राम ड्रॉ करता है जिसे मैंने ड्रॉ किया है मैंने कहा है ये एक फिश है ठीक है ये होगी बोनी फिश ध्यान दो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए बोनी फिश में माउथ होता है टर्मिनल जो ऑस्टी इक्थ्य से जो ऑस्टी इक्थ्य से बोनी फिश है उसमें माउथ होता है टर्मिनल ठीक है जबकि यदि कोई ऐसा फिश बनाता है कोई ऐसा फिश बनाता है ये इसका माउथ ये इसका माउथ वाला हिस्सा है ये इसका ये इसका माउथ तो ये जो वेंट्रल माउथ है जो वेंट्रल माउथ है बेटा ये आपको देखने मिलता है कार्टिलेजनस ये आपको देखने मिलता है ये आपको देखने मिलेगा कार्टिलेजनस मछलियों में ठीक है Shark में देखने मिलेगा cartilages के तो bony fish में आपको टर्मिनल माउथ देखने मिलता है और cartilaginous fish में आपको जो है वो ventral mouth देखने मिलता है ध्यान रखना ठीक है ventral mouth है अब देखो इसका मतलब ये कौन सी फिश है ये ये cartilaginous फिश है ठीक है cartilaginous क्योंकि माउथ क्या है माउथ है वेंट्रल ये आप देख रहे हैं जॉ ये आपको जॉ दिखाई पड़ रहा है ना माउथ नीचे तरफ है वेंट्रल माउथ है और ये आपको जॉ दिखाई पड़ रहा है आई बात समझ में छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए जो बताता हूं ना ये एग्जाम में पूछते भी बेटा ठीक है इस बार भी 2020 में जो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने बताया कि सर कई बातें आपने नोट भी नहीं करते होंगे उसको लेकिन बार बार बोलता हूं मैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए एग्जाम में काम आता है ठीक है चलिए नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय फुली डेवलप्ड वर्टिवल कॉलम नोटोकॉर्ड को जो है वो वर्टिवल कॉलम से

डबल ऑलफेक्ट्री है मतलब, का मतलब के, 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 छोटी -छोटी याद रखना बहुत कठिन चीजें नहीं पढ़ना हमको पर टर्मोलॉजी बायोलॉजी के आना चाहिए हमको ऑल्फेक्ट्री सेक ऐसी थैलिया होती हैं जिनमें इस तरह के रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को लेने में हेल्प करते हैं ये दो होते हैं इसमें क्योंकि दो नॉस्ट्रिल है और से लगे होते हैं तीन केनाल देखने मिलती है। हमारे जो इतना हाँ बड़े काम की होती है बॉडी को बैलेंस करने में भी ये रोल प्ले करती है पेयर्ड गोनाड विद गोनो गोनोडक्ट के यहाँ पर जो गोनाड्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं टेस्टिकल जोड़े में होते हैं और जो ओवरी है, वो जोड़े में होती है उनमें गोनोडक्ट भी हमको देखने मिलती है ठीक है

केवल और केवल इस सुपर क्लास की मेंबर होती है ठीक है अब आप बोल रहे हो सिल्वर फिश लैपिज्मा एक इंसेक्ट है पिछली बार पूछा था सिल्वर फिश लैपिज्मा एक इंसेक्ट है ठीक है जेली फिश और सिलेंटिटा है एस्ट्राज स्टार फिश इकाइनोडरमेटा है ठीक है कटल फिश

जो डिवीज़न है उसमें दो सुपर क्लास है एक है पिसेस कि फिंस होते हैं सारी उसमें आती हैं दो तरह की मछलियां दो तरह की उनकी क्लास होती है एक होती है, जिनको हम बोलते हैं, कार्टी लेजिनस बोलते हैं बोन्स नहीं होती बॉडी बनी होती है दूसरी होती है बोनी फिशेज टेट्रापोडा सुपर क्लास में जो है वो चार क्लास शामिल होती है एकदम ये जो फ्लो चार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है बेटा याद रखना एनसीआर से ये तो चलिए पहले बात करते सुपर क्लास फिशेस की बात करते हैं स्टडी ऑफ फिशेस को हम इक्लॉजी कहते हैं ये सब कुछ एनसीआरटी में नहीं है पर एग्जाम में आता है बेटा याद रखना है मछलियों के अध्ययन को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं ठीक है क्लियर लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट के याद रख अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम में जो आ सकता है ठीक है ना कि वर्टिब्रेट्स की सबसे बड़ी सुपर क्लास क्या है बेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसी प्रजातियों की संख्या के आधार पर प्रजातियों की संख्या के आधार पर वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे बड़ी सुपर क्लास जो है वो है पिसेज ठीक है ना ये फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट हैविंग के ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट है जिनमें जो जो इवॉल्व हुए थे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के दौरान जैव विकास के दौरान बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या जैव विकास के दौरान बनने वाले पहले वर्टिब्रेट जिनके अंदर जबड़ा था जॉ था वो क्या है वो है पिस्सेज के पीरियड ऑफ जो कह रहा ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर का पॉइंट है यहां पर आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको ठीक है ना बेटा फिर वहां मत बोलना कि आपने बताया नहीं मैं आपको यही बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है मतलब है और देखो बेटा मैं बायोलॉजी इंटर कनेक्टेड तरीके से पढ़ाता हूं तो कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक चैप्टर आप पढ़ रहे थे दूसरे, दूसरे दो चैप्टर आ जाते हैं बीच में उसमें कुछ हिस्सा उसका क्योंकि ऐसे क्योंकि बायोलॉजी एक इंटीग्रेटेड साइंस है उसको अलग अलग हिस्सों में नहीं पढ़ सकते उसको हमें कनेक्ट करके पढ़ना होता है ठीक है ना तो अभी हम क्या कहा मैंने मैंने कहा कि ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनमें जॉ होते हैं और इनका ओरिजिन इनकी उत्पत्ति जो है वो पहली जो युग के ऑलडोबिशन पीरियड के अंदर हुई है सबसे पहली मछली जो इवॉल्व हुई थी वो थी ऑस्ट्रकोडन मैंने बताया था ने, फर्स्ट फिश इवॉल्व वाज ऑस्ट्रकोडन पहली मछली जो बनी थी वो थी ऑस्ट्रकोडन थी वो ठीक है आज केवल फॉसिल्स के रूप में देखने थे तो ऑस्ट्रकोडर्मी हमेशा कहते हैं कि यही से यही वो वो क्रिएचर थे यही वो जीव थे जिनसे जैव विकास होने पर आधुनिक मछलियों का मछलियां बनी है ठीक है सभी किसे देखिए सुपर क्लास पिसेस के मेंबर्स जितने भी होते हैं दे ऑल आर सभी पानी में पाए जाते हैं समुद्र में हो सकते हैं या फ्रेश वाटर में हो सकते हैं ठीक है अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पॉइंट एंड दिस ट्वेल्थ एनसीआरटी इको सिस्टम चैप्टर ट्वेल्थ एनसीआरटी समझो बात को ठीक है इंपॉर्टेंट है और आप यहां नीट के लिए पढ़ रहे हैं कई बच्चे एक गाना और गा रहे हैं आजकल सर इलेवेंथ का क्या होगा ट्वेल्थ का अरे भैया मैंने पहले ही कह दिया था बायोमेट्रिक इलेवंथ और ट्वेल्थ का सारा कुछ कवर कराते हैं लेकिन ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए नहीं पढ़ाते हैं के, हम पढ़ाते हैं नीट के लिए वी आर एक्सपर्टाइज वी हैव स्पेशलाइजेशन इन नीट ठीक है इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए बेस्ट सबसे बेस्ट है आपके स्कूल के टीचर हैं सम्मान कीजिए उनका मेरा नमस्कार बोलिएगा आपके स्कूल के बायोलॉजी के फिजिक्स के केमिस्ट्री के टीचर्स को क्योंकि वो, वो उनका देखो बेटा आप उनको मुझसे कंपेयर कंपेयर मत मत कीजिए कीजिए और मेरे को उनसे मत कारण ये है है कि कि वो जानते हैं सब्जेक्टिवली कैसे लिखना है आपको वो आपको एग्जाम में पास करने के लिए नंबर चाहिए आपको तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर कैसे लिखना है वो आपको स्कूल के टीचर बताएंगे ठीक है लेकिन एनालिटिकल चीजों में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कैसे काम करना है वो मैं बताऊंगा आपको फील्ड अलग अलग है दोनों के है ना उनका नॉलेज उनके लिए वो जो बता रहे हैं बहुत काम का है आपके लिए जो हम बता रहे हैं वो भी काम का है आपके लिए तो इसका मतलब ये है कि नीट के लिए तो इसीलिए कई बच्चों को मैं कहता हूं बेटा कि हमेशा जब मैं मुझसे आप पढ़ रहे हैं, तो ऑलवेज थिंक अबाउट बिगर गोल कि नीट को निकालना है नीट को फोड़ के आना है वो दिमाग में रखना अटके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अच्छा परसेंटेज लेके आना है ठीक परफॉर्म करना है, है ना बेटा वो भी काम की बहुत काम की चीजें वो समझ गए ना अटके कई बच्चे स्कूल टीचर मेरी स्कूल टीचर ने सर ऐसा बताया आपने नहीं बेटा प्लीज डोंट कंपेयर शिक्षक शिक्षक होता है कोई भी हो वो आपके गुरुजन है वो सम्मान कीजिए उनका आपके उनको पूरा यथोचित सम्मान दीजिए कंपेयर मत कीजिए क्योंकि आप यहां तुलना के लिए नहीं है ठीक है ना आपको ज्ञान प्राप्त करना है तके. अपने दिमाग को बायस्ड अपने दिमाग के दरवाजे बंद मत कीजिए अपने आपको जो है वो भेदभाव पूर्वक या बायस मत बनाइए अपने को जो है ओपन रखिए टू लर्न गुड थिंग्स

ये है छोटी मछली और ये है बड़ी मछली देखें कार्टून हमने ऐसे बहुत सारे ठीक है बड़ी मछली इन छोटी मछलियों के ढेर के पीछे पड़ गई है फाइंडिंग नीमो मूवी देखी नहीं देखी आपने ठीक है और बड़ी मछली छोटी मछली को जो है वो ये बड़ी मछली के तो ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा के यानी ये फिश है स्मॉल फिश है ये इसको लार्ज फिश बड़ी मछली इसको खा जाती है ठीक है है ना? तो ये इसका मतलब क्या है कि ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है आप बोलोगे सर ट्रॉफिक लेवल तो समझ में ही नहीं आया इसका मतलब फूड लेवल के भोजन के स्तर फूड लेवल एक्चुअली इट इज फूड लेवल तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है मतलब मछली मछली को खा रही है दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हो गए क्या ठीक है ना तो ये जो जो हम कहते हैं कि बिलोंग टू टू दी कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल टॉप कॉर्नीवर के समान व्यवहार करती है शार्क है, शार्क, है। कुछ मछलियां छोटे जीवों को खाती है वो कॉर्नीवर होती है तो ऐसे जो है वो बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है तो दो ट्रॉफिक लेवल को ये बिलोंग करती है ये हरबी बोर भी हो सकती है ये कॉर्नीवर भी हो सकती है एंड दे में टॉप कॉर्नीवर आउसो शार्क जो है वो सबसे बड़ा शिकारी है पानी के अंदर काट के स्पिंडल शेप बॉडी होती है बॉडी स्पिंडल शेप क्यों होती है ताकि तैरने में हेल्प मिले उनको वाटर के अंदर क्या होती है इनकी बॉडी ऐसे शेप बॉडी होती है मछलियों की ठीक है बॉडी हेड ट्रंक और डिवाइड होती है मछलियों में नेक नहीं होती है मछलियों में आपको अलग से गर्दन दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें क्या होता है मैंने कहा आपसे ये ये हो गया हेड वाला पोर्शन हो गया ये ये ट्रंक वाला पोर्शन हो गया और ये टेल वाला पोर्शन हो ये हेड हो गया ये ट्रंक हो गया और ये टेल हो गया ऐसे देखने मिलेंगे तीन हिस्से नेक में नहीं होती है ठीक है देखिए ध्यान से बिल्कुल समझते हुए चलते हैं बेटा मुझे मालूम है कई सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से हैं और मछली वहां पर जो है वो एक सबसे अच्छे आपको कल्चरल तो तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे आपको चलो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ना इन बिटवीन द लेक्चर का टाइम आई वांट टू टू टॉक टू यू कि हमारे आसपास हम जो देख रहे हैं उससे हम क्या सीख रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि दो तरह की ट्रेनिंग एक शिक्षक को करना चाहिए एक अकेडमिक दूसरी करना चाहिए समाज के दिशा दिखाने वाली ट्रेनिंग जिसको सोल आत्मा को टच करें हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक चीज देखी मैंने फूड हैबिट को लेके हम बहुत सारे बायस पाल लेते हैं हम सोचते हैं कि यदि हम वेजिटेरियन हैं तो हम बेहतर कर रहे हैं वो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो गंदा काम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं देखो वो लोग पूजा में भी मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो तो हम ऐसे दिमाग में बायस पाल लेते हैं पर सच्चाई तो ये है कि जहाँ का जिस भी जगह का फूड कल्चर जो है ना वो वहाँ की उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार समाज में वो डेवलप होता चला गया जैसे आप कभी वेस्ट बंगाल जाएंगे आप पाएंगे कि दा कि जो मछली भात हुआ और मछली जो है मैं देखा मैंने एक बेस्ट बंगाल का मैरिज का अटेंड किया था मेरे एक परिचित थे भद्रा जी वो एक अफसर थे तो उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने हमारे को घर में उनके घर में जो भी फंक्शन था उसमें बुलाया उन्होंने हमने देखा कि वो जो नई बहू घर में आई उसने मछली पकाई उसने चावल पकाया उसने वो सबको खिलाने का कोई प्रोसीजर था कोई रस्म था उनका तो उनके बेटे की शादी हुई शाद कर तो बहू जब घर तो वो ऐसा वैसा सिस्टम था तो मतलब अब अपन हाँ, कहीं हाँ। जैसे हम लोग नॉर्थ के मध्य प्रदेश के तो हम लोगों के लिए मतलब थोड़े मध्य प्रदेश के थोड़े महाराष्ट्र के आप बेसिकली लेकिन सब कल्चर तो हमारा पूरा एमपी का फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ तो भाई पूजा के जो जो बहू घर में आएगी वो खीर बनाएगी या हलवा बनाएगी कोई ऐसी शिश्त के और जो है वो मछली या मीट पकाने को तो बोलेंगे भी नहीं ठीक है पंजाबियों की शादी होती है तो बेहतरीन जो है वो जो 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 जो, जो इवेंट होता है उसमें वो तमाम तरह का जो है वो अपना चिकिन विकिन सब होता है उसके अंदर के लेकिन नॉर्थ में कई जगह पर होते हैं जो जो, जो होता है वहां पर नहीं भाई शादी विवाह में नॉनवेज नहीं हम लोग ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस को हम जो है जज करने लगते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो लोग त्यौहार में देखो नॉनवेज खाते हैं वो लोग ऐसा करते हैं तो एक्चुअली में हमको इन बाइसिस से ऊपर जाकर सोचना चाहिए कि वो किस कल्चर में किस तरह का फूड वहां अवेलेबल था जैसे लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं कि पीपल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट देर दे, दे कंज्यूम बीफ ऑल्सो ऐसा क्यों अब आप जाइए कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने जाइए और आप देखिए क्या उत्तर प्रदेश के समान वहां पर लहराते हुए खेत दिखाई पड़ेंगे आपको जो यूपी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान के अंदर जो खेती होती राजस्थान के कुछ हिस्से के सारे राजस्थान में कुछ हिस्सा रेगिस्तान में के आप देखेंगे जो सेंट्रल इंडिया का जो पोर्शन है पं, पंजाब हुआ आपका हरियाणा हुआ आप देखेंगे खेत जो है लहराते हुए जो है खेत बड़े अच्छे से खेत जो है जो लगाना वो लगा लो लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूरा पहाड़ी पहाड़ी वाला एरिया है डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है वहां का वहां पर आप इमेजिन करें कि वहां पर वो आपके सामान जो है वो वो, को लगा के या को लगा के वो वो समय को को या खा सके उसको तो मुश्किल काम है तो वहां पर उन्होंने उस तरह का फूड हैबिट डेवलप किया जो लोग रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं भेड़ पालते हैं बकरियां पालते हैं वे वैसा फूड खाते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं गोवा की बात करें गोवा में आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई देखिए फाइव स्टार की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं एक नॉर्मल रेस्टोरेंट जाके आप आप बोलिएगा कि वेज में क्या है फिश करी फिश फ्राई अरे भाई मच, वेज पूछ रहा हूं वेज बोल तो रहा हूं साहब फिश फ्राई फिश फिश रोल फिश टिक्का मछली पेड़ पे लगती है क्या नहीं फिर तुम तो उसको वेज में काउंट क्यों करते हो वेज है क्योंकि मारे वगैरह जाती है निकालो पानी से आती है अब भैया उनका फंडा अलग बोलना पड़ता नहीं भैया वो घास टाइप की कोई चीज दो हमको है ना ये मत दो हमको यूएसए अमेरिका जाएंगे आप आप वेज बोलेंगे हालांकि बहुत अवेयरनेस हुआ लेकिन कई हिस्सा ऐसा है मतलब आ, मैं यूएसए की बात नहीं करता यूएसए में तो काफी अवेयरनेस है मैं बात करता हूं इस जो है टर्की की बात करता हूं इस्तानब काफी दिन रहा हूं अंकारा अंकारा में इस्ताबुल में वहां जाए वहां बोलो भैया मैकडोनाल्ड में के वेज आई वॉन्ट वेज सैंडविच अंडा भर देंगे अंदर उसमें वेज है आप बोलोगे पागल ही क्या ये लोग पागल नहीं है कल्चर कल्चरल डिफरेंस है है बेटा ठीक इसलिए किसी को कल्चर के आधार पे डिफरेंशियट करके जजमेंट मत पास कीजिए उसमें ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो लोगों को साथ लेकर चलना सीखिए लाइफ में आगे बढ़ना है लोगों को साथ लेकर चलना सीखिए लोगों में भेदभाव करके उन्हें अपने से दूर करना मत सीखिए ठीक है चलिए लूट के मछली पे आते है ना फिर बोलोगे कहा निकल गए सर देखो भैया ऐसी सिंपल सी बात है इसकी इस है इसकी इसकी बॉडी स्पिंडल शेप ताकि में हेल्प कर सके इसकी टेल जो है वो टेल फोर्स को क्रिएट करने में रोल प्ले करती है इसके जो फिंस होते हैं वो डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं तो मतलब कुल मिला के जो है जो है प्रोपल्शन में हेल्प करते हुए तो पूरी बॉडी इसकी ऐसी बनी इस होती है स्ट्रीमलाइन होती है वैसी और आपको मैंने कहा था पिछली क्लास में कि जो इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेंस ऑर्गन देखने मिलता है इसको लेटरल लाइन सेंस और इसको लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन कहते हैं और ये क्या काम करता है ये पानी के अंदर वाटर का जो करंट है जो जल प्रवाह है वाटर की जो वेब से उस वेब की दिशा को पहचानने में हेल्प करता है ठीक है ये हम एक फिश को देख रहे हैं है, है ना और देखो जिस मछली में आपको तैरने के लिए हेल्प करने वाला ध्यान से मेरी बात सुनना और अच्छे से दिमाग के अंदर डाल लेना मेरी बात ध्यान से सुनना और कान को उसके बाद बंद कर लेना ताकि बाहर ना निकल जाए बात इधर से सुना इधर से बाहर निकले जिन मछलियों में स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर स्विम ब्लेडर बोलते हैं इनको हम या एयर ब्लेडर कहते हैं वो देखने मिलता है वो मछलियां हमेशा बोनी फिश होती हैं, के वे होती हैं वे फिशेज में जो कॉन्ड्री एक्स में आपको जो है स्विम ब्लेडर देखने नहीं मिलेगा ये मछलियां ऐसी होती हैं बगैर तेरे भी बगैर बगैर अपने आप को एक्टिवली तेरे बगैर एक्टिवली स्विम किए भी पानी के ऊपर वो रह सकती हैं डू नॉट सिंक इन दी वॉटर यह तेरना बंद करते ही पानी के अंदर डूब नहीं जाएंगी ये। पानी में रहेंगीरना रहेंगी, रहेंगी। बंद किया वो डूब जाएंगी ठीक है लोकोमोशन बाय पेक्ट्रोल एंड पेल्विक फिन अलॉन्ग विद मीडियम डॉर्सल एंड कॉर्डरफिन आप देखो इसमें क्या होता है बेटा इनमें

जो जो मछलियों की स्किन जो होती है उसके ऊपर स्केल शल्क पाए जाते हैं और ये तीन तरह के होते हैं तीन तरह के हमको एक होते हैं सर स्के में तो नहीं है ए, तभी बता रहा हूं तभी बता रहा हूं तीन तरह के स्केल होते हैं प्लेकॉइड स्केल साइक्लॉइड स्केल और होते हैं के देखिए बेटा प्लेकॉइड स्केल

टीनॉड गेनोइड और साइक्लॉइड आपको देखने मिलते हैं आपको तके? वो देखने मिलेंगे ठीक है इनमें सबसे कॉमन होते हैं टीनॉइड और साइक्लॉइड सबसे कॉमन होते हैं ठीक है ये स्केल आपको देखने मिलेंगे क्लियर किसमें बेटा बोनी फिशेज में देखिए हम देख रहे हैं ये

पेलेक्ड स्केल कार्टन फिश में देखने मिलते हैं आपको क्या जबकि आपको जो है वो जो बोनी फिश होती है उन बोनी फिश में आपको क्या देखने मिलते हैं आपको जो है वो गेनोइड साइक्लोइड और टीनॉइड स्केल देखने मिलते हैं ठीक है एंडोस्केलेटल काटलेस से बना हो सकता है या बोन से बना है। इसी आधार पर तो दो क्लास बनाई हमने कॉटलेस से बनाया है तो फिशेस बोनी के मसल्स अरेंज इन माओटोम मास्पेशिया जो होती है वो माओटॉम मसल्स जो होती है वो पैकेट्स के रूप में अरेंज होती है अपने आपको पैरेलली अरेंज करती है उन्हें माओटॉम्स कहते हैं तो मास्पेशिया है मतलब इनकी मसल्स एक्टिव मसल होती है जो जो ग्रुप में होती है इनको माओटॉम्स कहते हैं एलिमेंट्री किनाल विद डेफिनेट स्टोमक एंड पैंक्रास में इस, आपको इस इस देखने मिलेगा, देखने मिलेगा और किनाल होती है क्लोएका में है के, ये किनाल है, वो, या एनसमेट तो या, या के क्लोएका क्या होता है मैंने आपको बताया था कॉमन ओप कॉमन चैम्बर होता है क्लोएकल चैम्बर कॉमन चैम्बर होता है जहां पर डक्ट जन, खुलती है जहां पर एलिमेंट्री किनाल खुलती है ठीक है ना और जहां से जो है फिर जो और

hello sorry to disturb you in between the lecture but it's important to inform you you should download the bio Mentors app from google play store we need your support so please take the subscription to become an official commando of bio Mentors. bye bye continue your lecture <coughs> <coughs> पहले ध्यान ध्यान से देखो और देखकर बताओ कि ये कार्टिलेजिनस फिश है या बोनी फिश है मैंने आपको फंडा बताया था मैंने कहा था मुंह को ध्यान से देखिए ओपनिंग को माउथ क्या है 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 इसका इसका mouth है, ventral. इसका माउथ माउथ वेंट्रल वेंट्रल मतलब ये कार्टिलेजिनस फिशे कार्टिलेजिनस इसके इसमें आप देख रहे हैं ये क्लोएका आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है क्लोएका अब देखो क्लोएका में क्या खुल रहा है किडनी का ओपनिंग क्लोएका ये देखो ये क्लोए ये क्लोएकल चैम्बर है ये चैंबर है कि ये क्लोएकल चैंबर होगा इसके पे क्या देख देख रहे रहे हो हो आप ये देखो किडनी का ओपनिंग खुल रहा है है ठीक फिर एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग यहां खुल रहा है इसके फिर ये कॉमन होकर ये बाहर खुल रहा है जो बाहर खुल रहा है वो क्लोएका खिलाता है बेटा है ना ठीक है और जहां जिस जगह पर दोनों ओपनिंग खुल रही है अंदर वाली वो क्लोएकल चैंबर है रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है बेटा फाइव टू सेवन पेयर ऑफ गिल्स देखने रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है ठीक है और aquatic के gills के करते हैं. To जो है आपको, gills के देखने मिलते हैं। ये गिल्स जो है वो एक फ्लैप से एक स्किन का ऐसा फ्लैप होता है उस फ्लैप से कवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ठीक है तो याद रखिए कि बोनी फिशेज में जो बोनी फिशेज हैं उनमें गिल जो है वो कवर्ड होते हैं जबकि जो है वो काटे फिशेज में गिल हमको कवर नहीं दिखाई पड़ते हैं ठीक है तो ये कवर होता है उसे हम अपर कुलम बोलते हैं तो गिल में भी नेकेड और कवर्ड विथ अपर कुलम सभी मछलियों में सभी फिशेस के मेंबर्स में टू चैम्बर्ड हार्ट देखने मिलता है हार्ट में एक ऑरिकल होता है और एक वेंटिकल होता है एक वो हिस्सा होता है हार्ट का जो ब्लड को रिसीव करता है उसे ऑरिकल बोलते हैं एट्रियम कहते हैं जो ब्लड को बाहर पंप करता है याद रखना बेटा यानी आता है आता है एट्रियम याकल ठीक है बाहर जाता है हमने बी की स्पेलिंग में वी लगा दिया बाहर जाता है मतलब वेंट्रिकल ठीक है याद रखना आपके एट्रियम आता है ना ब्लड जो हार्ट की तरफ आएगा जिस हिस्से में वो एट्रियम है है और जिस हिस्से से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा वो वेंट्रिकल है क्लियर आलिंद और नीले बोलते हैं हिंदी में वीनस हार्ट आप जो ब्लड पंप होता है यहां पे सभी मछलियों में वो वो ब्लड अनऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को पंप किया जाता है यहां पर वीनस ब्लड बोलते हैं इसको हम ठीक है देखिए है ना अब बताओ ये जो मछली देख रहे हो ये बोनी फिश है या कार्टिलेजनस फिश है ध्यान से देखिए इमेज को बताइए कि ये बोनी फिश है या कार्टिलेजनस फिश है डायग्राम को ध्यान से देखिए बताइए कि ये बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है ठीक है ये है बेटा बोनी फिश को किसका माउथ देखिए आप टर्मिनल माउथ है माउथ इसका टर्मिनल ठीक है ठीक है गिल्स जो है बाहर आपको ओपन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कवर है ठीक है तो ये क्या है ये बोनी फिश है ठीक है देखो हार्ट देख रहे हैं आपके यानी फिश हार्ट के मछलियों के लिए हम हार्ट की बात कर रहे हैं हम ठीक है हार्ट में मैंने कहा ना ये एट्रियम है यहां ब्लड आता है ठीक है और एट्रियम के पहले जो जो वीन जो वीन ब्लड को लेके आती है वो एट्रियम के पहले एक फैल जाती है और फैलकर एक चैम्बर बनाती है इसे बोलते हैं साइनस चैम्बर नहीं बोले एक फैला हुआ स्ट्रक्चर जो ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाती है इसको बोलते हैं साइनस वीनो बोलते हैं के, और यहां से ब्लड जाता है कहां पर देखो बेटा

ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखने में लगेगा कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है या टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन है कहां से ये क्वेश्चन आ गया है तो ये ऐसे क्वेश्चन है इनको हम बोलते हैं ऑर्फोन क्वेश्चन ऑर्फॉन एमसीक्यू के अनाथ एमसीक्यू आ जाते हैं एग्जाम में उठ के तुम जहां समझना हो समझ लो हमको हम सर्कुलेट्री सिस्टम का भी हिस्सा है हम एनिमल स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, है और हम इवोल्यूशन का भी हिस्सा है फिशेस तो तो, के हार्ट में देखने मिल रहा है? वो होता है जो आपको एट्रियम के पहले देखने मिलता है और कोनस आइट्रोस वो हिस्सा होता है जो वेंट्रिकल के बाद देखने मिलता है क्लियर ठीक है देखिए आप है ना साइनस विनोसस एट्रियम तक ब्लड लेके आया एट्रियम से ब्लड वेंटिकल में गया वेंटिकल से ब्लड बाहर निकला कोनस में का ठीक है ना क्लियर साइनस विनोसस आपको हार्ट में देखने मिलेगा ठीक है Both renal and are अब ये दिमाग में रखो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एक नेटवर्क होता है वींस का, जो इकट्ठा होकर कहीं ब्लड सप्लाई करता है और उसे क्या बोलते हैं हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं तो किडनी में भी पोर्टल सिस्टम देखने मिलता है इसमें याद रखेगा हमें हम हमें ह्यूमंस में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है हमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने मिलता है, इन के. के अंदर, के अंदर देखने मिलता है, पर नहीं होता है ना इनकी आरबीसी रेड कैप्सूल न्यूक्लियस वाली होती है मीजो किडनी होती है किडनी मीजो किडनी होती है याद रखिएगा बेटा ये अब ये किडनी प्रोनेफ्रिक होती है होती है मेटानेफ्रिक किडनी होती है तो किडनी का भी इवोल्यूशन हुआ है तो ये, इनकी किडनी है ये एमेनोटेलिक और यूरोलिक हो सकते हैं कि ये अमोनिया को रिलीज कर सकते हैं या यूरिया को रिलीज कर सकते हैं क्या डिपेंड करता है फिश फिश है फिश 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 पे पे टाइप फिर कि बोनी कार्टलेस इनमें दस जोड़ा क्रेन देखने मिलता है आपको इनमें पेड़ जोड़े में नेजल सेक होते हैं जो आ, जो माउथ में ओपन इनमें जोड़े में नेजल सेक होते हैं जिनकी ओपनिंग माउथ के अंदर नहीं होती है ठीक है इनमें टिम्पेनम टिम्पेनिक कैविटी और एयर ऑसिकल नहीं होते हैं। मतलब मछलियां सुन नहीं सकती मछलियाँ दे कैन नॉट हियर के ये सुन नहीं सकती है तो जो लोग मछलियों से बातें करते हैं ना उन्हें पता नहीं चीज ठीक है इनमें ना है है ना इनमें ठीक है थीके? और इनमें जो इनर ईयर होते हैं उनमें तीन सेमी सर्कुलर जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे कानों का विकास जो है सुनने से पहले वो बॉडी को बैलेंस करने के लिए हुआ बॉडी बैलेंसिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरनल ईयर इंटरनल ईयर का मेन काम होता है बॉडी को बैलेंस करना ठीक है ना क्लियर ये इंपॉर्टेंट चीज है फिर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन हमको देखने मिलते हैं जो वाटर की वेब्स को पहचानने में उसकी दिशा पहचानने में हेल्प करते हैं ऑल आर पॉइक्लोथर्मिक सभी के सभी जो है ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं मतलब कोल्ड ब्लड वाले एनिमल होते हैं मतलब एक्टोथर्मिक होते हैं मतलब इनका बॉडी का टेंपरेचर ये इंटरनली मैनेज नहीं कर सकते बाहर के तापमान में परिवर्तन होगा तो इनके बॉडी का अंदरूनी तापमान बदल जाएगा ठीक है नॉन मैस्कुलर एंड नॉन प्रोटेसिबल टंग इनकी जो टंग होती है जैसे हम अपनी जीप बाहर निकाल सकते हैं जैसे हम चलो एक कार्टून आते हैं ठीक है हम अपनी जीभ को बाहर निकाल सकते हैं ठीक है हमने अपनी जीभ को बाहर निकाला तो ऐसे जीप बाहर निकालने का काम मछलियां नहीं कर सकती हैं

जो हियरिंग एंड बैलेंस की बात करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये सुन नहीं सकती मछलियां लेकिन ये है कि दे कैन जस्ट सेंस कि देर आर सम वाइब्रेशन इनको बस सेंस कर सकती है वो और वो इसलिए कर सकती है क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो भरा होता है इनर ईयर में उससे वो सेंस तो लेकिन उसकी चल, उससे ये नहीं समझ सकते हम कि ये उस हियरिंग से ये सुन सकती है एनालाइज कर सकती है उस काम का ये नहीं है ठीक है लेकिन जस्ट फील वाइब्रेशन के बैलेंस करने में काम करता है विजन इनमें होता है इन में होता, आई इनमें होती है, स्मेल उनमें होता है टेस्ट इसमें होता है मसल जो है वो आ, ये मस, जो है वो वाटर वाइब्रेशन को सेंस करती है उसके अकॉर्डिंग मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है ठीक है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं ठीक है थाके?

इनके एक के अंदर एक्स्ट्रा देखने पर नहीं मिलती है इनका डेवलपमेंट यूजली डायरेक्ट होता है जिसमें कि कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है लेकिन मेटामोरफोसिस देखने आपको मिल सकता है कि जुवेनाइल फेज से जो मेडल फेज के बीच में शेप में परिवर्तन देखने मिल सकता है पर वो लार्वा अवस्था नहीं होती है चलिए अब यहां पर एक बार मेरे को मौका मिला दुबई जाने का दुबई में मैं एक मॉल के अंदर गया और उस मॉल में दुबई में एक दुबई मॉल है बड़ा मतलब इतना बड़ा मॉल है कि आपने कभी देखा नहीं इतना बड़ा जो लोग दुबई के उन्होंने जरूर देखा होगा लेकिन इंडिया में इतना बड़ा मॉल आपको देखना नहीं मिलेगा ये बड़ा मॉल हटके ऐसा नहीं है कि इंडिया में कई मॉल बने हुए हैं लेकिन वहां पर जो है वो बैट चमगादड़ लटके हुए हैं कैसे मॉल लटके यानी जो मॉल है वो बड़ा मॉल है जो चलता हुआ मॉल हटके मतलब उसके पीछे कारण है कारण ये है कि टूरिज्म जैसे हम यदि आप बोले तो मैं बोलूँगा कि हमारा इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में नाकाम है हमारे यहाँ पे हिमाचल वाला हिस्सा हुआ कश्मीर का हिस्सा हुआ ठीक है और जो है कई सारे हमारे साउथ का हिस्सा हुआ कई सारे हमारे हिस्से ऐसे राजस्थान हुआ इवन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं ठीक है जहाँ पर टूरिज़्म को हम डेवलप कर सकते हैं टूरिज्म दुनिया की इकोनॉमी एक एक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कोरोना में तो अफेक्ट हुआ है लेकिन हर समय तो कोरोना रहेगा नहीं तो कभी ना कभी तो कंडीशन ठीक होगी तो हमें टूरिज्म पर बहुत ध्यान देना चाहिए दुबई ने सब कुछ डेवलप किया टूरिज्म के चलते उन लोगों ने बड़ी संख्या में लोग दुनिया भर से वहां पहुंचते हैं घूमने के लिए और तमाम तरह के अम्यूज़मेंट पार्क एक्टिविटीज़ उन्होंने की है park, किया। और सब बड़े सेफ है हमारे यहाँ पे यदि झूला लगा होता ना तो कब वो झूला गिर जाएगा कब कोई दुर्घटना हो जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं होता है हमें क्वालिटी और मॉनिटरिंग क्वालिटी टेस्टिंग मॉनिटरिंग पर बड़ा ध्यान देना चाहिए के चलिए ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है मैं चाहता हूं हूँ कि, आ, कि हमारा देश दुनिया के सबसे बेहतर देश दे, देशों में शुमार शुमार हो और जहां पे जो जो अच्छा अच्छा है ना वो सब हमारी कंट्री में हमें को इंप्लीमेंट करना चाहिए ठीक है ना मैं एक बार किसी दुबई के अफसर से मेरी बात हुई तो उसने ये बताया कि व्हाट इज द मोटो ऑफ दुबई जो दुबई है स, जो यू यूएई है उसका एक ही उद्देश्य है क्या हम जो करेंगे सबसे बड़ा करेंगे या सबसे पहला करेंगे हमारे पास तीसरा दूसरा है तभी आएगा कि सबसे बड़ा करें हम और सबसे, या सबसे पहले करें हम वो चीज तो टूरिस्ट आएगा अच्छा लगा लॉजिक चलिए अब देखिए इस वीडियो को आप ये मैंने ही शूट किया है आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये स्टिंग रहे देख रहे हैं आप ये स्टिंग रहे हैं ठीक है ना फिर अभी ये वीडियो जो है वो बायोमेंटस ऑनलाइन फिल्म पर अवेलेबल है फिर देखिए आप ये शार्क आ रही है ठीक है ये शार्क आप देख रहे हैं अब इसका क्योंकि वो ऊपर तो था नीचे से शूट कर रहा हूं इसलिए जो है वो एंगल थोड़ा ठीक नहीं पाया आप देखिए पास से निकलेगी तब दिखाता हूं को मैं देखिए ये शार्क है देखिए शार्क अभी आएगी इसमें ये देखिए ठीक है

एक आपको दिखाते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट फिश होती है ग्लास फिश बोलते हैं जो बिल्कुल आर-पार दिखाई पड़ता है इन फिश से ट्रांसपेरेंट ग्लास फिश देख रहे हैं आप था ये ट्रांसपेरेंट ग्लास फिश है है ना इनके आर-पार सब आप देख सकते हो अंदर क्या-क्या चीजें प्रेजेंट है मछली में ठीक है सरप्राइजिंगली इनके कई ऑर्गन भी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट टाइप के हैं फिर आप देख रहे हैं ये जो निडेरिया है इनवर्टिव की बात कर रहे हैं प्लांट लाइक इनवर्टिब्रेट के आप देखिए आपको दिख रहा प्लांट्स है अभी देखिएगा आपको आपको मैं निडरिया दिखाता प्लांट बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये देखो ऐसा लग रहा है कि पानी में हिल रहा है आपकी एक्चुअली पकड़ने की कोशिश कर रहे दिखे, आप, दिखे, बकारा दिखा देखिए आप आपके बकायदा टेंटिकल्स बाहर दिखाई पड़ रहे हैं एनिमल लाइक एनिमल्स निडरियंस को देख रहे हैं ये पानी में से शिकार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो देखो ये सब देखा हमने कहा बेटा हमने देखा एक और मैं कि ये तो इसमें तो शूट करने की परमिशन थी लेकिन एक जो है थाईलैंड में एक एक्वेरियम और वहां पर शूट करने की परमिशन उस समय तो नहीं थी जब मैं गया था तो वो भी बड़ा अच्छा है काफी सारी मछलियां फिशेस बड़े साइज की वहां पर प्रेजेंट है ठीक है चलिए देख रहे हैं ये हमने कुछ फोटोग्राफ वहां पर लिए थे आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है स्टिंग है बड़ा सा स्टिंग दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर आपको ठीक है देख रहे हैं आप शार्क को देख रहे हैं इलेक्ट्रिक रे है देख रहे हैं आप ठीक है चलिए तो पहले बात करते हैं हम कॉन्ड्री के ऊपर कॉन्ड्रो मतलब होता है कॉटिलेज इक् मतलब होता है फिशेज ऐसी मछलियां जिनका एंडोस्क्रिटल कार्टिलेज से बना होता है उनको हम कॉन्ड्री कहते हैं कॉर्टिलेस फिशेज बोलते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं इसमें शार्क आते हैं स्केट्स आते हैं रेट फिशेस आती हैं इसमें रेट फिशेस इसके अंदर आती हैं है, तकरीबन 850 स्पीशीज की हमें ज्ञात है इनमें एंडोस्केलेटल जो होता है कॉटलेस से बना होता है इसलिए कॉटलेस फिश बोलते हैं बेटा याद रखिएगा ये समुद्री जंतु होते हैं ये मछलियां समुद्र में देखने मिलती हैं मैरीन एनिमल होते हैं जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है तैरने में हेल्प करने वाली

जो आ, आपके जितनी भी रे फिश के चाहे वो स्टिंग रे हुआ इलेक्ट्रिक रे हुआ उनमें बॉडी डोरसो वेंट्रली फिटेड होती है जबकि शार्क में बॉडी जो है वो लिटरली कंप्रेस होती है बॉडी हेड ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है नेक इसमें देखने नहीं मिलती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट The fins are supported by horny fin ray, और पेल्विक तो फिन में पेल्विक फिन जो होता है उसमें हमको कॉपुलेट्री ऑर्गन देखने मिलता है जिसे क्लास पर बोलते हैं और यह मेल फिश में होता है इंपॉर्टेंट याद रखेगा कॉपुलेट्री ऑर्गन आपको कॉपुलेट्री ऑर्गन आपको जो है वो

पीछे वाला जो फिन होता है ना वो ऐसा होगा ए ठीक है ना ये एसिमिट्रिकल फिन है फिश में होता है बोनी फिश में कैसा होता है होता है, okay. बोनी फिश में सिमिट्रिकल होगा और फिश में ये हेट्रो सर्कल होगा या एसिमेट्रिकल होगा ठीक है शार्क जो होते हैं वो तेज तैरने वाले होते हैं स्विफ्ट स्विमर होते हैं

फिन और पैल्विक। फिन जो होते हैं हमारे हाथ के समान होते हैं और पेल्विक क्या कंपेयर करें तो ये इसमें हमको देखने मिलते हैं जो लिफ्ट वाइट करते हैं लेकिन जो फोर्स है वो टेल से आता है इसमें ठीक है देखिए ये आप देख रहे हैं पैक्ट्रल फिन हमारे हैंड के समान है

Very, very टीथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीथ आर मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल जो शार्क के दांत होते हैं बड़े मजबूत होते हैं बड़े मजबूत होते हैं और इंटरेस्टिंग बात है ये टूट जाए वो तो दोबारा बन जाते हैं टूट जाए वो दोबारा बन जाते हैं के, तो ये क्या होते हैं ये बैकवर्ड जो शार्क के टीथ है शार्क का जो जिसमें मुंह है शार्क का ये मुंह है शार्क का ये मुंह है ठीक है

पावरफुल भी होती ताकतवर भी होती है और जॉ इनका बड़ा मजबूत होता है इनमें मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल से टीथ इनके बने होते हैं बैकवर्ड की ओर डायरेक्टर होते हैं और जॉ इनका जबड़ा इनका बड़ा मजबूत होता है देखिए आपके ये हम देख रहे हैं शार्क में ये फिन दिखाई पड़ रहे हैं हमें ये डॉर्सल फिन है ये पेक्ट्रोल फिन है ये पेल्विक फिन है ठीक है ये एनल फिन है ये दो सेकंड डॉर्सल फिन है और ये टेल, टेल का कॉर्डल फिन है ठीक है आप देख रहे हैं जो बाहर माउथ के बाद जो उभरा हिस्सा होता है स्नॉट कहते हैं उसको हम स्नॉट कहलाता है वो ठीक है और आप देख रहे हैं आपको गिल्स भी दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर बेटा ठीक है ना देखिये टीथ देखिए इस करके शार्क के टीथ ये शार्क के हम दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है जो कि प्लेकोइड स्केल से बने होते देखिए दिखाई पड़ रहा है ना डबल रो में दिखाई पड़ रहे हैं आपको डबल रो में दिखाई पड़ रहे हैं ना ठीक है अंदर की तरफ मुड़े होते हैं देखिए ध्यान से ना ये शार्क के टीथ है स्ट्रॉन्ग जॉ होता है शार्क का जॉ होता है काफी स्ट्रोंग होता है मतलब खतरनाक शिकारी होते हैं पानी के अंदर इंसान खा लेते भाई ये द एलिमेंट्री कैनाल ओपनस इनटू द क्लोएका एलिमेंट्री कैनाल बाहर सीधा एनस में ओपन नहीं होता बल्कि क्लोएका के थ्रू ओपन होता है ठीक है ठीक है ये एलिमेंट्री कैनाल है इसका ओपनिंग क्लोएकल चेंबर में आया ठीक है किडनी का ओपनिंग क्लोएकल चेंबर में आया ठीक है गोनडोटक का ओपनिंग क्लोएकल चेंबर में आया ठीक है ये क्लोएकल चेंबर है और ये बाहर एक सिंगल ओपनिंग बाहरी से बोला हमने क्लोए का ठीक है ना क्लियर इंटेस्टाइन छोटी होती है एंड हैज ए स्क्रॉल वॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दी बॉक्स क्वेश्चन है बेटा याद रखना इसको इनमें आपको इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व देखने मिलता है जो कि एब्जॉर्टिव सरफेस को बढ़ाता है मतलब शार्क जो है एक बार खाना खाने के बाद एक बार भोजन लेने के बाद

टेकअप ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर गिल्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है वाटर के थ्रू इसलिए मछलियां पानी के बाहर सरवाइव क्यों नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनके गिल्स में ब्लड सप्लाई होती है और ये गिल्स के थ्रू ही जो है वो वाटर से ऑक्सीजन ले पाते हैं और ये एयर एक्सचेंज जो है वो नॉर्मल एयर में पॉसिबल नहीं हो पाता है इस पानी में ही पॉसिबल है इसलिए पानी से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है ठीक है देखिए ये हम देख रहे हैं स्क्रॉल वॉल्व ऑफ इंटेस्टाइन आंतों के अंदर का स्पॉल वॉल्व देख सके एक बार फूड अंदर आएगा तो थोड़ा सा फूड को निकलने में वक्त लगेगा और इसलिए पूरे यानी ये अपने फूड को अच्छे से पचाने के बाहर ही बाद ही वेस्टेज को बाहर निकालती है वो ठीक है ये आपको प्लेट के समान लेमिलर गिल्स दिखाई पड़ रहे हैं प्लेट के समान हमको गिल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें हमको ये ठीक है ट एंड मोस्टली विधाउट अपर कुलम गिल के ऊपर नहीं होता है मैंने कहा था आपसे गिल कवर या अपर कुलम हमको देखने फिशेज में देखने मिलता है यहां पर देखने हमको नहीं मिलेगा एयर ब्लेडर जो है वह हमको काटले फिशेज में देखने नहीं मिलता है और जो कि बॉडी को मैं बायोसी को प्रोवाइड करता वो इनमें नहीं होता है ठीक है बट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल स्टोर्ड इन ह्यूज साइज लीवर इनका जो लीवर होता है, को हम क्या है? बोलते हैं हम जो से निकालते हैं याद है मार्केट में मिलता है मार्केट में जो मार्केट में जो ऑयल मार्केट में जो ऑयल मिलता है कॉडलिवर ऑयल कहते हैं बेटा ये वो ऑयल होता है जो हमको जो है इन मछलियों के लीवर से मिलता है और उस ऑयल के पीछे कई मछलियों को मार दिया जाता है एयर ब्लेडर इनमें नहीं होता है लेकिन इनके लिवर में बड़ी मात्रा में ऑयल इकट्ठा होता है जो इनको बट स्टिल स्विम टू अवॉइड सिंकिंग इन वाटर परंतु उसके बावजूद इतना अधिक बायोन्सी नहीं मिल पाता है कि ये उसके दम पर ये पानी में फ्लॉट कर सके तो ये वाटर में फ्लॉट नहीं कर पाती है इसलिए इनको लगातार तैरना पड़ता ताकि ये डूब ना जाए टू चैम्बर्ड हार्ट होता है एक ऑरिकल एक हार्ट में साइनस विनोसस और कोनस आर्ट्रोस देखने मिलता है हमने देखा ओवल बाईक well नहीं होता है इनमें हमको जो है वो, uh, में हमको रीनल प्रोटोसिस्टम देखने मिलता है ठीक है देखा था हमने साइनस विनोसस और कोनस आर्ट्रोस को देखा था हमने ठीक है साइनस विनोसस एट्रियम के पहले होता है कोनस आर्ट्रोस जो है वो वेंट्रिकल के बाद होता है 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स के होते हैं बेटा ऑलफैक्ट्री सैक जो है वेंट्रल होता है जो स्मेल के लिए होता है पेयर में होता है जोड़े में होता है दे हैव शार्प विजन के जो शार्क होती है या cartilage जो होती है ये देख सकती हैं ये बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकती हैं लेकिन ये अलग-अलग कलर को नहीं पहचान पाती हैं क्यों

को ठीक है हमने कहा कि बाकी बातें हम नहीं करेंगे कि क्या होती है जो है मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है ऑफिस तो नेफ्रिक किडनी को किडनी का जो एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट वो सिलेबस से थोड़ी बाहर की चीजें तो अभी हम बात नहीं करेंगे अभी बस एक बार याद रखेंगे मेरे कहने पर ऑफिस तो नेफ्रिक किडनी यहां पर देखने मिलती है एक्सक्रिटरी मेटल इसमें यूरिया होता है बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल होता है मतलब बाहर का तापमान बदलने पर बॉडी टेम्परेचर जो है बदल जाता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक्टोथर्म बोलते हैं या कोल्ड वाले एनिमल बोलते हैं ठीक है थीके? जितनी भी फिशेस होती है जितनी भी कार्टिलिजन फिश होती है वो सभी की सभी शिकारी होती है, होती है वो ठीक है देखिए शार्क खतरनाक शिकारी है ने ये जो है पानी के अंदर का सबसे खतरनाक शिकारी है थीके? देखिए ना इवन समाइम जो लाइफ गार्ड होते हैं समुद्र के किनारे कभी मान लो कोई व्यक्ति गलती से पहुंच जाए शार्क का हमला हो जाए शार्क का हमला जो है आपको कभी आप जो है वो अमेरिका में या किसी से जो है मैं अलग अलग कंट्री में गया हूं तो मैंने देखा है समुद्र में कई जगह पे बोर्ड लगा होता है कि यहां पर शार्क के हमले पहले हो चुके हैं इसलिए अलर्ट रहिएगा ठीक है तो वहां पर और आपको बता दो तो शार्क इतना इतना तेज स्मेल है इसका कि आप यदि यदि कोई ओपन बुंड है ना

मेल में पेल्विक फिन में क्लासपर देखने मिलता है जो कि पॉपुलेशन में हेल्प करता है मेल और फीमेल को इसकी हेल्प से अलग अलग आप पहचान सकते हैं मोस्टली होते होते हैं way, है, होते हैं है वेरी वेरी मोस्टली जो कहने का मतलब ये, कि जो अंडे होते हैं एक जो होते हैं वो मदर्स के जेनेटल ट्रैक में काफी में, थोड़े समय तक रहते हैं ठीक है कोई सारी कई सारे कार्टलर फिश ऐसी होती है जो बिलीपर्स भी होती है सीधे बच्चों को भी जन्म देती है ठीक है सिंपल लाइफ हिस्ट्री होती है लाइफ हिस्ट्री में कोई लार्वा या आपको या बड़ा मेटामोर्फेज देखने आपको नहीं मिलता है ठीक है

तो जो बाहर निकला उभरा कि उसे स्नॉट कहते हैं इसमें एक पानी का टेम्परेचर सेंस करने वाला एक ऑर्गन होता है उसे एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं सिंपल सा स्टेटमेंट है कि इन विच ऑफ दर्गन एम्पुल ऑफ लोरेंजी प्रेजेंट तो एम्पुल ऑफ लॉरेंजी शार्क में देखने मिलता है और यह थर्मोरिसेप्टर होता है कि जो शार्क के एग होते हैं वो एक तरह के बेग के अंदर पर्स के समान बेग के अंदर देखने मिलते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं मरमेट स्पर्स कहते हैं तो मरमेट स्पर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक कैप्सूल होते हैं जो स्कैट फिश में और शार्क में हमको देखने मिलते हैं फिर कॉमन क्वेश्चन स्टिंग रे साइंटिफिक नेम इसका है, ने है। ट्राइगोन और डायटिस ये इसमें टेल जो होती है वो मोडिफाइड आती है एक डिफेंसिक स्टिंग रे में जो इनकी टेल होती है वो एक लकड़ी के समान मजबूत लैश के जिसे बोलते हैं ना लठ के समान मजबूत बन जाती है नुकीली होती है और ये इससे हमला करके व्यक्ति को मार सकते हैं ठीक और इसमें स्केल जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ प्लेकॉइड स्केल एज विनोमस वीनोम, स्पाइन इसके सिरे पर जो है वो एक नुकीला हिस्सा होता है जो प्लेकॉइड स्केल के मॉडिफाइड होने पर बनता है और ये इसमें जहरीला पदार्थ भी होता है यदि इसने किसी को स्टिंग मारा तो वो जीव मर जाएगा ठीक है टॉर्पीडो जो होता है नारसिन इलेक्ट्रिक रे होता है और इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होते हैं वो मसल्स के मोड़ यानी मसल्स मॉडिफाइड होती हैं और इतना अधिक करंट पैदा करती हैं कि उस इन, इन मछलियों के आसपास इन कार्टन फिश के आसपास जो है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दूसरा जानवर आएगा तो वो करंट लगने से मर जाएगा उसे खा लेंगे ठीक है देखिए शार्क के मुंह के पास में

इंपॉर्टेंट है ठीक है कार्किरोन ग्रेट व्हाइट शार्क होता है ट्राइगॉन स्टिंग रे होता है आईएमपी स्टिगोस्टोमा जेब्रा शार्क जेबरा टाइगर फिश होता है, हैमर है, 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 है शार्क होता है सामने का इसका हेड जो है हैमर के समान दिखाई पड़ता, दिखा पड़ता है थोड़े समान दिखाई पड़ता है टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे आईएमपी है ठीक है माइलियो ईगल रे राइनो गिटार गिटार फिश के है सिमेरा रेड फिश होता है किंग ऑफ हैरिंग भी कहते हैं इसको नाम आपको सारे लिखना है भूलिएगा करके मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट उनमें मैंने आईएमपी लगा दिया है लेकिन तब भी बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते इसलिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग में रखी नहीं तो बुरा नहीं है ठीक है आप केवल एक दो बार पढ़ लेना इसको ताकि आप आपको सामने जब ऑप्शन आएगा ना तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे ठीक है ना क्लियर चलिए अब एनसीईआरटी इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग मारा सर, अब animals, समुद्री होते हैं। में आ रहा है याद रखिएगा नहीं होते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंडोस्केलेटल होता है माउथ लोकेटेड होता है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ देखने मिलती है गिल स्लिट सेपरेट अलग अलग होते हैं प्लेट के समान लेमिलर होते हैं उनमें आपको अपरकुल गिल कवर देखने नहीं मिलता है पढ़ाना

ठीक है ना इसी एयर ब्लेटर को हमने क्या बोला स्विम ब्लेटर भी कहते हैं इसको हम स्विम ब्लेटर भी कहते हैं इसको हम ठीक है हार्ट में दो चेंबर होते हैं एक ऑरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने मिलते हैं टॉर्पिडो में और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन मोडिफाइड मसल से बने होते हैं ये मैंने आपको बताया इसके कुछ में आपको पॉइनर जहरीला स्टिंग देखने मिलता है जिसे ट्राइगोन कहते हैं हम स्टिंग रहे बोलते हैं ये मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल से बना होता है विनोमस होता है लेस के समान तेल इसकी लेस के समान आती है लाठी के समान आती है ऊपर उसमें जो है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल से बना हुआ स्टिंग होता है डंक होता है जहरीला होता है ये भी बताया इसके

सॉफिश है, है है तो बात करेंगे इसमें हम आज हमने क्या देखा आज हमने देखा कि जो है वो सुपर क्लास फिशेस किस तरह के हैं कॉटलेस फिश क्या होती बोनी फिश क्या होता है उनका डिफरेंस क्या होता है और हमने काफी सारी बातें इसके बारे में समझी बेटा ठीक है ना उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया होगा बेटा तो देखो मैं हमेशा कहता हूं पढ़ने का आनंद लो आप आप पढ़ाई को बोझ समझोगे ना तो बोझ लगती रहेगी वो के कई बच्चों को बड़ा बोझ लग रहा है अरे उनको लग रहा है सर आगे बढ़ रहे हैं डिप्रेशन हो रहा है अरे तुम डिप्रेशन के लिए वक्त कहां से लाते हो कहां से वक्त लेके आते हो डिप्रेशन के लिए अरे डिप्रेशन को मारो गोली एक तरफ करो उसको अभी बोलो कि हमको अपना समय इस्तेमाल करना है पढ़ना है आज का आज का लक्ष्य आज कि आज का जो टारगेट मिला है पूरा करेंगे एमसीक्यू लगाएंगे पढ़ेंगे के कल की चिंता मत करो all the best hi to become an official commando of biomentors join us at www.biomentors.online here you can solve daily practice papers an online test you can download performance enhancement sheets you can track your progress you can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.